गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इंग्लिश में आज हम लोग फिर से एक बार होमोफोन्स करेंगे। ऐसे होमोफोन्स हम लोग वर्ड्स में और कर चुके हैं और उनका मीनिंग भी हम लोग समझ चुके हैं, राइट? तो आज हम लोग इसको सेंटेंस में, सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, कैसे राइट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। होमोफोन्स आप लोग सब जानते हो, जैसे टू वर्ड्स को जब उनकी साउंड सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग भी अलग होते हैं और उनका मीनिंग भी अलग अलग होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स, राइट? तो ये हम लोग पहले, काफी पहले कर चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले वर्ड्स राइट करने के लिए दिए, उनका मीनिंग बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद हम लोग सेंटेंस में इसे आज फिल कैसे करना है, बहुत ईजी है। आपको सेंटेंस मिलेगा और उसके सामने टू ऑप्शंस होंगे, पहले हम लोग सेंटेंस रीड करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और ये तभी आएगा अगर आप लोग पहले वाला कर चुके होंगे, ताकि आपको उसका मीनिंग भी समझ हो और उसकी स्पेलिंग भी आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि इनकी तो बोलने में सेम साउंड होती है तो आपको लगेंगे भी एक जैसे, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग इसको ऑप्शन में कर रहे हैं। आपको ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, तो फिल कर देना। लेट अस स्टार्ट। होमोफोन्स नंबर वन में है, पहले आपको सेंटेंस रीड करना है, कुछ भी नहीं करना है, पहले सेंटेंस रीड करोगे, ऑप्शन भी देखोगे, तब आपको सोचना है कि यहां पे क्या फिल करना है। जैसे ब्लैंक स्कूल इज बिग, ब्लैंक स्कूल इज बिग, तो इसमें ऑप्शन में क्या है, ए आर ई आर और ओ यू आर आर, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शन से आपको देखना है, पहले तो इनका मीनिंग आना चाहिए। ए आर ई आर जो मैम सिखाती हैं आपको, इज एम आर कहाँ यूज करना है ना, और ये ओ यू आर आर मीन्स हमारा, तो स्कूल के लिए आप क्या लिखोगे, हमारा स्कूल बड़ा है ना, तो हमारे के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ यू आर आर, आर स्कूल इज बिग, ठीक है बेटा। तो क्योंकि आपको मीनिंग जरूर आना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है नंबर टू, आई लाइक फेयर, एफ ए आई आर वाई फेयर, तो ये क्या होता है, फेयर मीन्स परी। ऑप्शन में क्या है, टी ए एल ई टेल और टी ए आई एल टेल, इन दोनों का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। सोचो, जैसे एक टेल का मीनिंग होता है पूछ और एक टेल का मीनिंग होता है कहानी, स्टोरी। तो हम लोग परियों की क्या अच्छी लगती है, क्या अच्छी लगती है, स्टोरी ना, कहानी। तो इसके लिए हम कौन सा टेल यूज करेंगे, टी ए एल ई टेल। तो बट आज मैं बनाऊंगी नहीं, इसको आपको खुद से बनाना है। पहले आप सुनोगे ध्यान से, फिर इसको बनाओगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए एक और तरीका है, पहले आप पूरा जितना भी आपके पास नंबर है इसको, सेंटेंस को रीड करोगे, ऑप्शन भी समझ लोगे और टिक लगाते जाओगे, और लास्ट में फिर आप फिल करोगे, तो आपकी डबल प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है द फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, फार्मर किसान, हैज फोर ब्लैंक सन, एस यू एन सन एंड एस ओ एन सन, तो इन दोनों में आपको क्या फील करना है, पहले तो इन दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए। एस यू एन सन मीन्स क्या होता है, सूरज, और एस ओ सन मीन्स बेटा, तो यहाँ पे हम किसकी बात हो रही है, सूरज की तो नहीं हो रही है, बेटा की बात हो रही है। तो द फार्मर हैज फोर सन्स, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर थ्री में, फोर में, द ब्लैंक इज डीप, द ब्लैंक इज डीप, डीप मीन्स गहरा, और ऑप्शन में है एस ई ए सी और एस डबल ई सी, ये सी दोनों का मीनिंग आपको आना चाहिए। एस ई ए सी मीन्स समुद्र और एस डबल ई सी मीन्स देखना, तो गहरा क्या है, गहरा क्या होता है, हम क्या क्या लगाएंगे, ये वाला सी, एस ई ए सी, समुंदर गहरा है,
नंबर फाइव में द ब्लैंक रन्स फास्ट, ऑप्शन में है एच ए आई आर हियर और एच ए आर ई हियर। तो अब बताओगे इसमें दोनों का मीनिंग, एक तो हेयर का मीनिंग होता है बाल और एक होता है रैबिट को भी हम हेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे रन्स फास्ट, तेज दौड़ना, तेज कौन दौड़ता है, रैबिट ना, तो यहाँ पे क्या है हेयर, रैबिट के लिए यूज हुआ है तो हम क्या लगाएंगे हेयर, एच ए आर ई हेयर। नेक्स्ट नंबर है आई ब्लैंक द केव, ऑप्शन में है डब्ल्यू ओ एन वन ओ एन ई वन। तो बेटा दोनों का मीनिंग अलग है ना, ये वन हो गया एक नंबर वाला वन टू और ये डब्ल्यू एन वन जीतने, तो यहाँ पे हम गेम की बात है तो क्या करेंगे, गेम जीतते हैं ना, तो गेम के लिए हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू ओ एन वन। नेक्स्ट है नंबर सेवन द प्लांट इज ब्लैंक, द प्लांट इज, अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ये है W double E के वीक और W E A के वीक, अब दोनों है वीक, इसमें एक का मीनिंग है कमजोर और एक का मीनिंग है सप्ताह। तो आपको देखना है यहाँ पे हम प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे कमजोर वाला वीक हम राइट करेंगे, तो उसके स्पेलिंग आपको देखने हैं, ये वाला आएगा कि ये वाला आएगा, इसमें कौन सा आएगा W E A के वीक। नेक्स्ट है नंबर एट आई सॉ, सॉ मीन्स सी का होता है फास्ट फॉर्म, सॉ मीन्स देखना, देखा, आई सॉ अ ब्लैंक डियर, डी डबल ई आर डियर, डी ई ए आर डियर। तो बेटा इसमें कौन सा डियर आएगा, एक का मीनिंग होता है हिरन और एक का मीनिंग होता है प्यारा, तो इसमें क्या आएगा, आपने क्या देखा हिरन, तो हिरन के लिए क्या आएगा डी डबल ई आर डियर। इन दोनों में आपको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर नाइन में ही ब्लैंक अ सैंडविच, तो सैंडविच क्या किया जाता है, खाया जाता है, और खाने की इंग्लिश क्या होती है एट, ईट, है ना, तो यहां पे दोनों है ई आई जी एच टी एट और ए टी ई एट, इसमें तो आपको पता चल ही जाएगा एट तो होता है नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के बाद जो आता है एट, और यहाँ पे आया ए टी ई एट। नंबर टेन में है दे ब्लैंक फिश, दे बी यू वाई वाई और बी वाई वाई, इसमें मतलब दे ब्लैंक फिश, उन्होंने फिश खरीदी, तो इसके लिए खरीदने के लिए क्या आएगा बी यू वाई वाई। नंबर इलेवन है ब्लैंक लाइक मिल्क, और इसमें है आई और आई, ई वाई ई आई और आई, इन दोनों में डिफरेंस तो सबको आता ही है, आई बॉडी पार्ट, आंख और आई मैं, यहाँ पे आएगा ये वाला है आई लाइक मिल्क। लास्ट नंबर है आई एम सिक्स ईयर और ईयर्स, ये ईयर कान और ये वाला ईयर साल, जनवरी फरवरी वाला, तो आपकी एज आप कैसे बताते हो, ये वाला ईयर लगा के या ये वाला, यहाँ पे आएगा आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये बेटा आपको अपनी इंग्लिश कॉपी में बना लेना है, ठीक है, और इसे प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी आपको, है तो देखने में इजी लेकिन दोनों का जब तक मीनिंग, दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, मुश्किल लग सकता है, ऐसे मुश्किल इसमें है कुछ भी नहीं, आपको तो ऑप्शन चूज करना है और फिल करना है ना, अगर मीनिंग आएगा तो आप फटाफट कर लोगे, ओके। इसीलिए मैम बोलती हैं जो भी आपके पास काम आता है, जितना भी आता है, आप रोज का रोज राइट करते करते लर्न भी करना है, ओके।